जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बुरी खबर टीवी की क्वीन, टीवी की बहू कहलाए जाने वाली हिना खान को लेकर सीधा सामने आ रही है ऐसी खबर, ऐसी अपडेट जिसे सुनकर आप रो देंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिना खान की माताजी रो रही हैं लगातार अपनी बेटी को लेकर। हिना खान जो कि स्ट्रॉन्गली के मामले में जानी जाती है, स्ट्रॉन्ग गर्ल के मामले में जानी जाती है, डैडी गर्ल मानी जाती हैं, और आपको बता दे आज वो जो है कैंसर से पीड़ित हो गई है। हिना खान अपनी सेहत को लेकर काफी ज्यादा जागरूक रहती हैं, हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा जागरूक रहती हैं और लोगों को मोटिवेट भी करती है, लेकिन आज हिना खान को कैंसर हो गया, वो भी थर्ड स्टेज में जाकर हिना को पता चला। हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर है। हिना खान कि फर्स्ट कीमोथेरेपी जो है हो चुकी है, कीमोथेरेपी के बाद जो उनकी अपडेट आई है बॉडी को लेकर, हेल्थ को लेकर, वो अपने आप में रुला देने वाली है। एक ऐसी तस्वीर जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपके आंसू रुकने से भी नहीं रुकने वाले हैं। आपको बता दें हिना खान ने फर्स्ट कीमोथेरेपी ली हंसते मुस्कुराते, और आपको बता दें पूरे साहस और हिम्मत के साथ, लेकिन फर्स्ट कीमोथेरेपी के बाद जो हिना खान की हालत हुई है उसे देखकर उनकी माताजी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। यहाँ तक कि हिना खान भी टूट चुकी है, हिना खान भी हिम्मत हार रही हैं। दरअसल आपको बता दें हिना खान की फर्स्ट कीमोथेरेपी हो चुकी है, उसके बाद हिना खान को डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि आपको बाल कट करवाने पड़ेंगे। हिना ने अपने बाल कट कर दिए, अपने हाथों से स्टार्ट किए बाल कट करने। हिना खान ने अपने शॉर्ट हेयर कर लिए जो कि आप देख सकते हैं। हिना खान को इस तरह से बाल काटता देखकर उनकी माताजी फूट फूट कर रोने लगी। वहीं आपको बता दें हिना ने साफ तौर पर अपनी माताजी को स्ट्रांगली हिम्मत साहस के साथ ये कहा कि माँ बाल ही तो है, आ जाएंगे, इतने में इसमें रोने वाली क्या बात है। हिना सारी चीजें स्ट्रांगली फेस कर रही हैं, स्माइल के साथ फेस कर रही हैं, लेकिन हिना खान की हालत जो अब हुई है कीमोथेरेपी के बाद, उसके बाद हिना खान भी चिंतित हो रही हैं अपनी हेल्थ को लेकर। हो सकता है हिना खान यहाँ इंडिया में नहीं बल्कि विदेश जाना पड़ जाए उन्हें कैंसर के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अभी जो है हिना खान का इंडिया में ही कीमोथेरेपी चल रहा है, हिना खान इंडिया में ही जो है ट्रीटमेंट ले रही हैं। आपको बता दें कीमोथेरेपी के बाद हिना खान की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें हिना खान जो है आपको बता दें साफ तौर पर सेल्फी लेकर ये दिखाया है अपने फैंस को कि मेरे मार्क्स जो हैं, जो भी हिना खान के साथ इस वक्त हो रहा है वो सब वो स्ट्रांगली दिखा रही हैं और बेबाकी से रख रही हैं अपने फैंस के आगे सारी बातों को, सारी चीजों को। हिना खान की बॉडी पर कुछ मार्क्स हैं जो कि कीमोथेरेपी के बाद हो जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और इसे भी हंसते मुस्कुराते हुए हिना खान ने जो है फेस किया है। हिना खान कहीं ना कहीं कभी हिम्मत हार रही हैं तो कभी स्ट्रांगली चीजों को फेस कर रही हैं। अभी बड़ी सारी चीजें जो है सामने आने वाली है हिना खान की, और जब कोई कैंसर से पीड़ित होता है तो इन सभी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चाहिए होती है तो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स की, दुआओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आप लोगों की, तो जरूर कीजिए। उनकी माता जी की तरह ही आप भी हिना खान के लिए दुआएं, प्रार्थनाएं, ताकि हिना खान जल्द से जल्द इस जंग को भी लड़ सके और लड़कर जीत सके, मौत को हरा कर एक बार फिर से आप लोगों के सामने खड़ी हो सके हिना खान। आप क्या कहना चाहेंगे हिना के इस सिचुएशन को लेकर, इस बुरे वक्त में किस प्रकार से आप हिना के साथ खड़े हैं, जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, और हिना के लिए प्रे जरूर कीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्रे जो होती है वो लगती है दवाओं से ज्यादा, दुआओं में असर होती है, तो दुआएं जरूर कीजिए, प्रार्थनाएं जरूर कीजिए हिना खान के लिए, तो दवाओं से ज्यादा जो है आपकी प्रार्थनाएं हिना खान तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द वो ठीक हो सकेगी, उनको ताकत मिल सकेगी, हिम्मत मिल सकेगी। जरूर प्रार्थनाएं कीजिए हिना खान के लिए, और साथ ही चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉलीवुड की दीवानी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।